नमस्कार, ये 6.4 का ये टॉपिक है। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो ऐसे संख्या होते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उसका वर्गमूल जो है दशमलव में निकाला जाए। दशमलव में निकालते भी हैं तो पूरा पूरा नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि लगभग मान लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मानकर चलिए कि मैं किसी ने बोला 5 का वर्गमूल बताइए, तब 5 का निकालेंगे तो ये 4 से ज़्यादा है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसका मतलब इसका वर्ग आंसर कितना आएगा, 2 दशमलव समथिंग आएगा। और पता नहीं इधर कितना आएगा, लेकिन एडजेक्ट आंसर हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एडजेक्ट हमारे कैलकुलेशन से बाहर है। क्योंकि जैसे जैसे निकालते जाएंगे उसका शेष आते जाएगा, फिर दशमलव है, जीरो बैठाएंगे, फिर कटाएंगे, इस तरह से प्रक्रिया करते रहेंगे और फाइनली कभी भी इसका एडजेक्ट आंसर नहीं आता है। ऐसे ही सवाल जो मैथ के कुछ टॉपिक इस चैप्टर में दिए हुए हैं कि हम लोग उसका एडजेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, उसका एडजेक्ट आंसर होता कितना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही दमदार है, बहुत ही खास है, उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो को बनाया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा, इससे काफ़ी आपको आप इसको शेयर करेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि उन बच्चों तक ये वीडियो जाएगा जिनको इसकी जानकारी नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपको ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ आपसे कि मैं इसको सिखा कर छोड़ूंगा एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से, 2-3 स्टेप में एक क्वेश्चन के साथ। देखिए, इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना हो 25.3 का, तो बताइए कि इसका आंसर कभी पूरा पूरा निकलेगा, क्योंकि अभी हमने 5 का बताया था, कभी आंसर नहीं निकलेगा। तो फिर आप आधा निकालेंगे, आधा छोड़ देंगे, एग्जैक्ट आंसर निकाल नहीं पाएंगे। तो जब नहीं निकाल पाएंगे तो आखिर कोई ऐसा मेथड हो जिसके द्वारा पूरा एग्जैक्ट हम इसका आंसर निकाल सकें, तो आइए उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इसको मान लेंगे वाई, वाई बराबर रूट एक्स मान लेंगे, मतलब रूट एक्स मतलब ये पूरा फाइनली रूट में है ना, वाई बराबर इसको मान लेंगे, और इसको हम लोग इतना बराबर मान लेंगे, और इसको हम लोग 25 प्लस 3 लिख सकते, क्योंकि 25 में 0.3 जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा। आप देखते चलिए, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यही तो बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, तो डेल x कितना होगा, 0.3 हो जाएगा। आइए देखिए, अब सीधे क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, तो dy/dx रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है 5.1, 2, 3 में, उसमें सब मिल जाएगा, उसमें जब डिफरेंशिएशन में पढ़ाया हूँ तो इस तरह का सवाल मैं बता दिया हूँ। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या आई बटन मिल जाएगा, उसमें देखिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से टोटल मिल जाएगा, मैं प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, dy/, अच्छा इतना तो बात समझ में आता है, समझ में आना चाहिए। देखते चलिएगा मैं क्या क्या किया हूँ, इतना स्टेप है, स्टेप 1, 2 और ये तीसरा स्टेप फॉलो हमने कर दिया, निकाल लिया। अब हमारा मुद्दा है कि वो एडजेक्ट वैल्यू क्या होगा जिससे, मतलब इसमें कौन सा एडजेक्ट इसका आंसर आएगा जिसके चलते ये पूरा एडजेक्ट इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो डेल वाई मान लेते हैं कि डेल वाई वो वैल्यू है, तो डेल वाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy/dx इंटू डेल एक्स, तो ये डेल वाई वही नया संख्या पता करना है जो एडजेक्ट आंसर आने वाला है, तो ये dy/dx इंटू डेल एक्स, इसका मान यहाँ से भर देंगे, देख सकते हैं 1/2 रूट एक्स डेल एक्स, और 1/2 रूट एक्स के जगह एक्स के जगह पर कितना 25 भरिएगा, तो 2 और 25 के जगह पर 5 ये, और डेल एक्स के जगह पर कितना होगा 0.3, और 2 × 25 का मान कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 1/10 हो जाएगा, ये 0 भाग करिएगा तो ये आ जाएगा कितना 0.03, ये एडजेक्ट डेल का वैल्यू आ गया। अब हमको टोटल फाइनली आंसर निकालना है, तो बस 25 का मान x प्लस डेल वाई यही एडजेक्ट आंसर चाहिए, तो इसका मान कितना हो गया 5, और डेल वाई का मान अभी निकालें 0.03, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये फाइनली इसका एडजेक्ट आंसर होगा, तो वो होगा 5.03, ये आपका आंसर होगा। और ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो कतई निकल नहीं सकता है, लगभग में हम लोग लिख देते हैं लेकिन वो पता ना एडजेक्ट कितना है। इस तरह के मेथड का प्रयोग करके आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही शानदार और सटीक तरीके से निकालेंगे, एकदम बिल्कुल शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई, क्योंकि इस कंटेंट आपकी जानकारी के लिए लेकर आता रहता हूँ, हमेशा मैं बनाता रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और किस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए आपकी जो जानकारी है मैं उसको पूरा कर सकूं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत